वेल डेफिनेटली आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का मौका है। आज हमारे शो के 2 साल पूरे हुए हैं। आज से 2 साल पहले एग्जैक्टली ये जर्नी शुरू हुई थी, जिसको सेलिब्रेट करने का हम लोगों ने आज डिसीजन लिया। और आज ही के दिन साथ में महादेव की टीम का एक नया शो, मिस्टर निखिल सिन्हा का और लाइफ ओके का एक नया शो आ रहा है, दैट्स कॉल्ड द एडवेंचर ऑफ हातिम। सो ऑब्वियसली डबल एक्साइटमेंट है, डबल धमाका है आज के दिन। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम लोगों की 2.5 साल की मेहनत जो है वो रंग लाई है। सब ने दिन रात बहुत मेहनत की है, तो डेफिनेटली जब इतने लोग मेहनत करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है उससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आज ही के दिन उनका एक नया शो भी लॉन्च हो रहा है, सो डेफिनेटली वी आर मोर देन एक्साइटेड। हैंड्स फुल राइट नाउ, एवरीबडी इज हैप्पी एंड पार्टिंग टिल द वी आवर्स आई गेस। सर ये बताइए कि ये जो शो है इसका जो सक्सेस है, ग्रेट किसको आप खुद को देना चाहेंगे या पूरी टीम को देना चाहेंगे, और खुद को देना चाहेंगे क्यों देना चाहेंगे और टीम को देना चाहेंगे? वेल डेफिनेटली इसका शो का जो सक्सेस का क्रेडिट है वो मैं पूरी टीम को देना चाहूँगा। इट्स अ टीम एफर्ट। द यूएसपी हैज़ बीन द स्क्रिप्ट, इफ यू आस्क मी, वीएफएक्स स्क्रिप्ट, ऑल दीज थिंग्स हैव मेड महादेव वट एवर महादेव इज टुडे। इट इज़ अ टीम एफर्ट, इट डजंट हैपन विद वन पर्सन। इट्स द एफर्ट ऑफ 150 to 200 पीपल वर्किंग डे इन डे आउट फॉर लास्ट 2.5 years, ऑलमोस्ट 3 years नाउ। सो डेफिनेटली पूरी टीम की मेहनत है जो रंग लाई है, and I hope we keep entertaining the audience till the time we can. Well, definitely लोगों ने हमेशा से इस किरदार को अपने घर के कैलेंडर में देखा हुआ है। सो बहुत डेफिनेटली एक हाई टाइम था कि कोई इस किरदार को कैलेंडर इमेज से बाहर निकाल के एक ऐसी उनके रूम तक लेकर आए। सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइफ ओके ने यह जिम्मा उठाया कि उन्होंने अपने शो को, महादेव, देवों के देव महादेव को उन्होंने ऑडियंस के सामने इस तरीके से पेश किया कि वो उसे कनेक्ट कर सके इन अ वेरी 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 नॉर्मल वे। इट वाज अ डे टू डे स्टोरी टेलिंग नरेशन, इजी नरेटिव था, बहुत लोगों के लिए इस चीज़ से कनेक्ट करना बहुत इजी था। नरेशन बहुत सिंपल थी, कैरेक्टर्स बहुत सिंपल थे, कॉम्प्लेक्स नहीं थे। द पोर्ट्रेवल ऑफ लॉर्ड शिवा वॉज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। और यूएसपी डेफिनेटली ये भी थी कि उनके ज़िंदगी के ऐसे अनकहे पहलू सामने आए जो किसी को मालूम नहीं थे, डेफिनेटली मुझे भी मालूम नहीं थे। सो ऑल दीज पॉइंट्स मेड इट अ सक्सेसफुल शो। इंडियन टेलीविजन पे आप वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, तो बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले है, तो क्या कहना चाहेंगे अगर आपको अगर चांस मिले बिग बॉस में आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, अगर करना चाहेंगे तो क्यों करना चाहेंगे? वेल डेफिनेटली जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा एंड मे द बेस्ट पर्सन विन। लेकिन अगर आपको चांस मिले तो आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो रीजन क्या होगा सर? Well, I haven't really thought about it. When it comes, then I'll thought about it. I have no clue right now. लेकिन आप बिगबॉस फॉलो करते हैं? Sorry? बिगबॉस फॉलो करते हैं? नहीं, नहीं। जी, जी। लेकिन ये बताइए महादेव के अलावा कौन से सीरियल फॉलो करते हैं? अगर फॉलो करते हैं तो कभी आप देखते हैं? जी, मैं कर नहीं पाता हूँ, समय की बहुत पाबंदी रहती है। मैं अपना शो भी फॉलो नहीं कर पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं उसकी CDs या DVD अरेंज करके देख सकूँ, बिकॉज इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू फॉलो योर ओन शो एट टाइम्स। सो यही मेरा शो है जो मैं कभी कभी DVD पे CD पे फॉलो कर लेता हूँ, अदरवाइज इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। लास्ट क्वेश्चन, महादेव सर आगे कैसे चलने वाला है, कुछ बता सकते हैं? वेल सफ़र चलता रहे, सफ़र शुरू ही चलने के लिए होता है। सो डेफिनेटली जब तक हम लोग ऑडियंस को एंटरटेन करना चाह कर सकेंगे अच्छे से हम करते रहेंगे, और हमारी हमेशा यही आशा रहेगी कि हम उन्हें बिल्कुल भी निराश ना करें। पिछले 2 साल से हम उनको जिस तरीके से एंटरटेन करते आए हैं आगे भी उसी तरीके से एंटरटेन करते रहें, और जितना प्यार उन्होंने हमें दिया है और आगे भी वो हमें इतना ही प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच।